कैसे रहे 5 साल गहलोत सरकार के समाज राजस्थान समाज के लिए? वो तो आपको भी पता होगा, जनता को पता है कि उन्होंने जो वादे थे उन पे सरकार खरा उतरी है नहीं उतरी है। लोगों का कर्जा माफ किया था, वो कर्जा माफ हो चुका है अब तक। ये बात हम आपसे पूछते हैं, 15,000 करोड़ ने कर्जा माफ भी किया था, किनका किया है कर्जा माफी बताएंगे? किसी का बिल माफी की बात करते हैं, 100 यूनिट या 50 यूनिट, मैं मेरा बिल खोल के दिखा दूं आपको कि 1 यूनिट का भी मुझे फ्री दिया जा रहा है। तो कर्जा माफ नहीं किया आज तक किसी का हुआ है? तो आप एक एग्जाम्पल दें। बहुत सारे वादे स्कूल की बोले थे कि बहुत अच्छे स्कूल बनवाएंगे, महिलाओं की फ्री शिक्षा होगी, तो क्या हो पाए? वो सभी सामने हैं, 1-2 कोर्सेज फ्री करने से शिक्षा माफ नहीं होगी। जैसा दिल्ली सरकार में केजरीवाल सर ने कर रखा है, महिलाओं के लिए बस सुविधा फ्री है और कोचिंग सेंटर हैं, स्कूल हैं, कोचिंग सेंटरों की फीसेज हैं सारे फ्री कर रखे हैं, बिजली कनेक्शन, पानी का कनेक्शन जो भी फ्री दे रखा है, वैसे ही मुहैया अगर करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली सरकार रिपीट होगी, इसमें कोई कहने वाली। यहाँ तो गहलोत जी महिलाओं की जो रोडवेज की आधी 30% माफ करने से क्या पूरा टिकट माफ हो जाएगा क्या? 100 का टिकट का जब 70 रुपये जब दे रही है, 30 रुपये माफ होते हैं, उससे क्या माफी चाहते हैं क्या? अच्छा जी, तो आप लोग परिवर्तन लाएंगे इस बार? परिवर्तन तो ऑटोमेटिकली आएगा, लाने से क्या है। बिल्कुल, ये एक चीज बताना, मैं राजस्थान टहल ही रहा हूँ, लेकिन राजस्थान के इतिहास में ये बड़ा होता है कि कोई फिक्स वोट बैंक इनका नहीं है, 5 साल हम उन्हें मौका दे दे 5 साल, ये क्या चलता रहता है यहाँ पर? ये अब की बार में वही रिपीटेबल होगा। हाँ। ये चाहते हैं कि हम हमारी सरकार दोबारा से रिपीट करें, राजस्थान का एक रिकॉर्ड तोड़ें, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, राजस्थान सरकार पे तुष्टिकरण की राजनीति का बहुत आरोप लगता है, क्या आप इसे सहमत हैं? कांग्रेस तुष्टिकरण की राजनीति करती है? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, नहीं होगा। मुख्यमंत्री चेहरा किसे देखेंगे यहाँ पर? मुख्यमंत्री चेहरा उन्होंने अभी तक तो ना कांग्रेस ने घोषित किया ना बीजेपी ने घोषित किया। आप लोग किसे समझते नेक्स्ट टाइम में? मैं मेरे वॉइस पे अगर सभी जनहित में काम को लेकर, स्टूडेंट हक में काम को लेकर, बेरोजगारों के हितों में काम लेकर, किसानों के हित में तो काम लेकर, गरीबों के हित में, तो डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा है। करोड़ीलाल मीणा, हाँ। अगर और भी आप उठा के देखते हो तो उसके बाद में जैसे योगी ने यूपी चमका रखा है, तो उसी हिसाब से अगर अलवर सांसद रहे हैं बाबा बालकनाथ, तो वो भी हैं। हाँ, बाकी आके नए नए चेहरे आते हैं, सतीश पूनिया जी हैं, राजेंद्र राठौड़ जी हैं, तो एक 2 दिन में कुछ काम कराने से कोई एक नया चेहरा तो बनता नहीं है। एक जनता के रूबरू होके, जनता के धरातल से काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली लोगों के सामने अपना चेहरा आएगा। राजस्थान सरकार पे भ्रष्टाचारी का आरोप बहुत लग रहा है, जैसे कि पेपर लीक हो जाना, वैकेंसियां निकल, ये क्या लगता है? वैकेंसियां निकालने से एक नाम नहीं होगा, वैकेंसियों को कंप्लीट करके ज्वाइनिंग तक उस स्टेज तक पहुंचाएंगे तो वैकेंसियां निकालने का नाम होगा, बेरोजगारों की रोजगार देंगे तो नाम होगा, बेरोजगारी को वही बेरोजगारी लगा के उनको अटकाया जा रहा है उससे मतलब क्या है? राजस्थान में कोई नौकरी, कोई तरह की नौकरी नहीं, 3 लाख का वादा किया था जिसमें से 30,000 को नौकरियों की ज्वाइनिंग नहीं दी है प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो। 5 साल हो गए, 5 साल हो चुका है, 5 साल का पूरा है, आचार संहिता लग चुकी है, अब तक कोई तरह का वो नहीं है। हाँ, गहलोत जी बोले हमने बहुत काम किया है। काम किए हैं तो लोगों के सामने है, सबके सामने, आपके भी सामने, जनता सबको टाइम आ रहा है, 3 दिसंबर को सबके सामने रूबरू हो गए, जवाब दे देगी कि अगर आपने काम किया तो आपकी सरकार रिपीटेबल होगी, इसमें कहने की बात ही नहीं है। पर आप लोगों को नहीं लगता कि सरकार अच्छा किया तो आप लोग परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल इम्पॉसिबल। अच्छा, ये एक चीज, यहाँ का जो लोग विधानसभा है, यहाँ पर भरोसी लाल जी हैं और राजकुमारी जी हैं, भरोसी लाल से पूरी विधानसभा ने की आसपास की विधानसभा भी दाब चुकी है, वो अपने घर में ही सारा शासन लाना चाहते हैं, ऐसा इम्पॉसिबल है, नहीं होगा, सरकार आएगी। मैं अगर फिर भी बात करते हैं, वैसा नहीं कहना चाहता, लेकिन जहाँ तक रिपीटेबल है यहाँ की राजकुमारी जाटव, उनको मैं अग्रिम शुभकामना देता हूँ एमएलए बनने के लिए। अच्छा, हाँ, ये श्योरली है, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, मतलब राजकुमारी जाटव जी 5 साल का कार्यकाल बीत गया, उन्होंने किसी भी अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र में उसकी विधानसभा में अगर 5 लाख का भी प्रॉपर तरीके से काम कराए हो तो मेरे को बता दें वो, और ज्यादा भी नहीं कहना चाहता। पहला काम तो दिनेश अबरार जी का हो चुका है, दूसरा काम भरोसेलाल जी के साथ में होगा, शौर्य को जूतों की माला और पहनाएगा इनको, मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं कि जूतों की माला, ऐसी सिचुएशन, हाँ ऐसी सिचुएशन आएगी कांग्रेस सरकार के, जो जिन जिन मैं गिना दूं आपको ज्यादा नहीं, विधानसभा फिक्स है, महुआ विधानसभा हुई, ढोंगी नाम से पॉपुलर है ओम प्रकाश हुड़ला, जो नई नई एक्टिविटी लाता है, ठीक है, ये हुआ तो इसने कोई काम नहीं करा है भरोसेलाल जाटव जी ने। नाम कराने से कोई नाम वो नहीं होता कि मैं एक तरह का वो हूँ। लाखन जी हैं, लाखन जी देख लो आप, बीएसपी से कांग्रेस कन्वर्ट हुई, लेकिन कुछ लोगों के सामने रूबरू होके काम तो कराए हैं। नेक्स्ट विधायक सपोटरा जी देख लो,
तो मंत्री जी का टैग लगने से मंत्री जी की विधानसभा थोड़ी वो होगी, वहाँ जाके वहाँ लोगों से पूछो। अभी तो प्रचार चालू हुआ है, जब देखिए तमाशे तो अभी तो एक का डेमो सेट हुआ है अभी तो, अबरार मलाल ने उसका, सॉरी दनिश अबरार जी का, अभी तो नए नए चेहरों के जब आएंगे केस जब देखते जाना क्या होता है क्या नहीं होता है। अच्छा एक चीज और है, जस्ट प्रश्न दीदी का था, शायद बोलना नहीं चाह रहे क्या, महिलाएं क्या यहाँ सुरक्षित हैं राजस्थान में? राजस्थान की महिलाओं की बात करें तो यहाँ किसी भी हद तक सुरक्षित नहीं है। रोज नए नए भ्रष्टाचार के साथ साथ में नए नए लोगों के साथ में उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ बेवजह के अत्याचार हो रहे हैं। जहाँ तक कि डेली की अगर देखें तो हत्याएं मर्डर जिनकी कोई गिनती नहीं है, बलात्कार हो रहे हैं डेली के, मतलब एक विवाहिता की बात छोड़ो, एक 5 साल से डाउन की बात करते हैं, अगर 5 साल से कम एज की लड़की की बात करते हैं उसके साथ बलात्कार होता है, कि सरकार ये निकम्मी नहीं है तो और क्या होगी? सही बात, इससे बढ़कर क्या सरकार होगी? सही बात, ये तो बहुत। तो वहाँ लोग महिलाएं सुरक्षित कहाँ हैं ऐसे प्रदेश में? प्रदेश में सुरक्षित कोई तरह की, अगर उनके साथ में प्रियंका गांधी जी बोलती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, उनकी बात है। अगर ऐसे गरीब ऐसे गरीबों की बातों को, ऐसी महिलाओं की, ऐसे बेरोजगारों की बातों को जब करोड़ी लाल जी उठाते हैं संसद में या विधानसभा में या लोगों के सामने या थानों पे आके धरना देते हैं, तो उनको वो एक डेमो बताते हैं, एक उनको चेहरा चमकाने वाली बात बताते हैं, तो ये तो अपनी निकम अपनी राजनीति अलग अलग चमकाना चाह रहे हैं वो, बस ये है। अभी दिया लेटेस्ट में अभी गणपति प्लाजा में जब लॉकरों का खुलासा हुआ है तो क्यों मंत्रियों को भगदड़ मच गई आपस में, माल तो निकल रहा है के लोकर खुल रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये अपना चेहरा चमका रहे हैं गणपति प्लाजा में आके, राजनीतिक एक दाव खेला जा रहा है, तो माल तो निकल रहा है ना, किसी लोकर में 2 करोड़ निकल रहा है, किसी में 2.5 निकल रहा है, किसी में 1.5 निकल रहा है, एक तोले में 1 किलो तोला निकला है, तो सोना निकला है, तो सबके सामने खुल रहा है पिटारा गहलोत सरकार के मंत्रियों का पिटारा खुल रहे हैं उसमें, उनका जिन पे हाथ है उनके माल अंदर रखे हुए हैं। अच्छा। तो मालों की खेप तो अब चलेगी ना, अब इलेक्शन आ गया तो खुलना, तो पिटारा चालू हुए हैं अभी। अब आगे क्या क्या आगे क्या क्या होता है वहाँ दुनिया देखेगी, हम भी देखते जाइए दिखाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।